आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान में उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिले के 83 विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों को पिछले सितंबर माह से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। जबकि शासन द्वारा हर माह विभाग को वेतन जारी कर दिया जाता है, यहाँ पर अकारण शिक्षकों का वेतन रोककर परेशान किया जाता है। शिक्षकों ने बैठक के बाद समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग पत्र भी अधिकारी को सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो शिक्षक बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हंसराज यादव, अध्यक्ष समाज कल्याण शिक्षक संघ आजमगढ़। आज किस संबंध में आप लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, क्या है मुद्दा? बैठक हमने किया हमारे समाज कल्याण के विभागीय विद्यालय जो चलते हैं आजमगढ़ में, 83 विद्यालय हैं, जिसके बजट रहते हुए 3 माह से वेतन नहीं दिया गया। कारण पूछने पर आनाकानी करते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास, और मैंने कहा कि शीघ्र वेतन दे दीजिए, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं। आज इसलिए बैठक किया, वो भी 3 बजे के बाद किया, शिक्षक विद्यालय से आए और किया कि अगर ये 1 हफ्ते के अंदर हमारा वेतन शिक्षकों का नहीं देते हैं तो इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन अनशन अमरण आंसन आदि करने को हम लोग बाध्य होंगे। ये तो ऊपर से है कि सही समय से वेतन देके ऊपर पुष्टि करनी होती है, उसके बाद फिर इस तरह की लापरवाही क्यों की जा रही है? अब तो वही जान सकते हैं ना, अब उनको जब हमारे पेपर जाएंगे धरना प्रदर्शन के, अभी तो आज उनको देंगे पेपर, लिखित देंगे, दे रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आप वेतन नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ ये सब करने के लिए हम बाध्य होंगे। ये सिर्फ नाटक धन उगाही के चक्कर में चल रहा है। जब जब इनको पेमेंट देना होता है और ये जब देख लेते हैं कि अध्यापकों के खाते में इतना पैसा चला जाएगा, मेरे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, तो ये कुछ न कुछ ये अपना षड्यंत्र रच के उसको सामने ला के खड़ा कर देते हैं। आप बताइए, जो मैनेजमेंट कमेटी है, कमेटी ने शिक्षक को रखा, शिक्षक अपना कार्य कर रहे हैं। कमेटी से अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप कमेटी से मांगिए ना, आप प्रबंधक से मांगिए, उनके सदस्यों से मांगिए, उनको बुलवा लीजिए अपने ऑफिस में। और ये आप जो है उनकी गलती की सजा मुझे दें, ये कहाँ का न्याय है, जरा आप मुझे बता दीजिए। मैं तो यही आपसे प्रश्न कर रही हूँ, आपसे मैं ये प्रश्न कर रही हूँ कि जब आप अधिकारी हैं, सारे समाज कल्याण अधिकारी, जब ये सारे कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो आप अपने अधिकार को किसी दूसरे से कैसे मांग सकते हैं? आपका कार्य आपका बाबू तो नहीं करेगा ना, बाबू अपना कार्य करेगा ना। कितने दिनों से वेतन बाकी है? वेतन तो इनका मन, इनके मन में आया दिए, नहीं मन में आया नहीं दिए। वेतन हर काम इनके लिए जरूरी है, लेकिन वेतन इनके लिए जरूरी नहीं है। ये तो इनके मूड की बात है, मूड में आया तो ये आपको दे दिए, 4 महीने का रुका 1 महीने का दे दिए, 2 महीने का दे दिए। मूड में नहीं आया तो फिर आप उसी तरह उनके यहाँ घूमते रहिए। अब ये बताइए कि 9 बजे से लेके 3 बजे तक जो शिक्षक पढ़ाता है और 3 बजे के बाद ये जिला जो है किसी के घर से 22 किलोमीटर, किसी के घर से 50 किलोमीटर, किसी के घर से 40 किलोमीटर दूर है, जब वो 3 बजे विद्यालय से छूट करके यहाँ आएगा उसको ऑफिस बंद मिलेगा, वो अपना दुख किसको बताएगा और कब बताए? जिले में 83 विद्यालय हैं, करीब इसमें 500 अध्यापक थे, रिटायर होते होते अब कम रह गए हैं, 270 के आसपास। समस्या यह है कि हमारे ज़िले में 7वां वेतन बहुत कम लगा था, और जब वह वेतन पूरा लग गया उसका एरियर सारे लोग, जितने लोग रिटायर हो गए, अभी कोई एरियर नहीं पाया। और जब वेतन दिया जाता है तो उनसे कहा जाता है कि सोसाइटी अपनी दिखाइए, तो प्रबंध समिति दिखाइए। हम अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं, न कि सोसाइटी और प्रबंधक का काम करते हैं। पर अध्यापकों को समय से वेतन चाहिए, और मैं हरिगेन राम यहाँ आमरण अनशन तक वेतन के